हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर हम लोग आपके साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स लेकर जुड़ रहे हैं, यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए। जो पेपर वन होता है उसका बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आप जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 45 डेज का कोई रिवीजन ये होगा। आप लोग जानते हैं कि इसका एग्जाम, यूजीसी नेट का जो दिसंबर का जो एग्जाम था वो आपका पोस्टपोन हो गया है कोविड की वजह से, और वो पहले मई में होने वाला था और अब पोस्टपोन होके अब हमें नई डेट पता नहीं है अभी कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन ये तो श्योर है कि मई में तो होना नहीं है। तो हमारे पास 1 मंथ तो पूरा है और उसके बाद में कुछ टाइम और मिलेगा। तो हम यहाँ पर आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं जिसमें 45 डेज में आपका पूरा पेपर वन जो है वो हम कवर करेंगे, उसका रिविजन करेंगे। ऐसा नहीं है रिविजन में कि मैं आपको एक मतलब एक्सट्रेंसिक रिवीजन करा दूंगी कि बस जल्दी जल्दी रिवीजन करा दूंगी, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पूरा यहाँ पे टॉपिक क्लियर करूंगी, आपके वन बाय वन जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब इसके अंडर क्लियर किए जाएंगे। और इस बैच का जो टाइमिंग है वो आपको यूट्यूब पर 8 बजे से 9 बजे के बीच मिलेगा, ठीक है। इसमें आपकी एक क्लास भी मिल सकती है, 2 क्लासेस भी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 45 डेज ही हैं और हमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट्स को कवर करना है। जो हम फर्स्ट पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके अंडर जो सब्जेक्ट्स आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जो मैथमेटिक्स है आपका, जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सभी आईसीटी, इन्वायरमेंट, ये सभी आपको इस पेपर के अंडर आपको पढ़ना होता है। ये सभी इस पेपर का क्या कहते हैं एक पार्ट है, सभी आप लोगों को पढ़ने हैं और ये 45 डेज में ही आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। क्योंकि आपको पूरे सब्जेक्ट्स को कवर करना है इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको एक क्लास भी मिल सकती है दिन में और आपको 2 क्लासेस भी ऑल्टरनेट सब्जेक्ट की रेगुलर चल सकती है, मिलेंगी आपको रेगुलर क्लासेस ही। क्योंकि बच्चों की एक शिकायतें हैं कि रेगुलर क्लासेस नहीं मिलती हैं किसी भी चैनल पे पेपर वन को लेके, किसी ने एक वीडियो डाला हुआ है, किसी ने 2 डाली हुई है, लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं है। लेकिन आपको अध्ययन अड्डा पर एक सीक्वेंस में आपको क्लासेस मिलेंगी और इस सीक्वेंस में ही आपको टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर लेकर चल रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो सब आपके मैं यहाँ पर कवर करूंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगे जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप दोबारा से उस सेक्शन को पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या आपके कुछ और क्वेश्चन हो वो भी आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको लगे कि आपको कोई और टॉपिक है जो आपको लगे कि ये मुझे पहले पढ़ना है या ये मुझे बाद में पढ़ना है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेशंस दे सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री हो कमेंट करने के लिए, आपको कोई भी पेमेंट या कोई भी आपको रोक नहीं रहा है कमेंट करने के लिए, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है इसमें, और उसी टॉपिक को हम वन बाय वन उसके जो टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को जो पेपर, आप लोग का जो पेपर वन है वो आप लोग का कितनी जल्दी कवर अप हो गया है। जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कर चुके हैं वो यहाँ पर अपना रिवीजन कर सकते हैं, भाई वो अपना टेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को कितना आया है कितना नहीं आया है, या यहाँ पर कुछ नया तो नहीं बताया गया है या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं अगर आप लोग भी इस बार का यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपना पीएचडी का जो सपना है वो साकार करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ यूजीसी नेट के पेपर वन की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। 45 डेज में आपका ये कोर्स यहाँ पर फिनिश कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं इसी के साथ। जो भी हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे उसके जो कुछ लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट हम इसमें एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें नीड होती है, ठीक है। टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा आपको, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड इवेल्युएशन सिस्टम, ये 7 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम ब्रीफली नॉलेज लेंगे, ठीक है,
कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जब भी हम बात करते हैं टीचिंग की, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हम टीचिंग की, तो टीचिंग में जब भी बात की जाती है तो 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की जाती है। भाई टीचिंग में हमें 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उन जरूरतों को मतलब पूरा होना ही होता है। ठीक है, अगर हम टीचिंग करने जा रहे हैं तो हमें क्या 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट, हमारे पास में एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, टीचिंग के लिए एक टीचर जरूरी है, उसके साथ में स्टूडेंट जरूरी है। ठीक है, जिनको आप पढ़ाने जा रहे हैं वो भी तो जरूरी है। ऐसा तो है नहीं ना कि मैं यहाँ पे बोलती रहूँ मेरी क्लास ही ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और उसके साथ में करिकुलम की जरूरत होती है, एक सिलेबस की जरूरत होती है जो वेल डिफाइंड होता है, जिसके बेसिस पर आप एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है जैसे कि आपके पास में एक टीचर होगा, ठीक है, एजुकेशन के लिए एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट होगा, ठीक है, और उसके साथ में करिकुलम होगा। इन तीनों एस्पेक्ट्स के बिना टीचिंग इम्पॉसिबल है। वो बाद में फैक्ट्स आएंगे कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, वो उसके अंडर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके की बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, उनको कैसे समझना चाहिए, वो हम इसमें इसके अंडर पढ़ते हैं। लेकिन जो हम बोल रहे हैं कि 3 एस्पेक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग, दैट इज टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। आप लोगों ने ये अगर सीटेट में तैयारी कर रहे हैं या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने सीडीपी में ये चीजें पढ़ी होंगी। इसमें कुछ कुछ आप लोग रिलेट कर पाएंगे सीटेट की सीडीपी से। ठीक है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है उससे आप रिलेट कर पाएंगे इसमें, और जो लोग अभी जीआईसी का एग्जाम भरे हुए हैं वो भी इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिनको आप उनसे रिलेट कर पाएंगे, तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एजुकेशन के बारे में, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एस्पेक्ट था वो क्या था, एजुकेशन। तो हम यहाँ पे एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। भाई देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जब भी हम यूजीसी का एग्जाम देने जाते हैं तो यूजीसी के जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन बेसिक इंस पर बनते हैं कि जिन पे आपको पता चले कि ये डेफिनेशन किसने कही है, या ये मतलब डेफिनेशन किस टाइमिंग पे आई है। होता है ना, आपके क्रोनोलॉजिकल एजेस पे आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के कथन पूछे जाते हैं कि ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्पेसिफाई किया है, तो कुछ डेफिनेशंस हैं उनको हम देखेंगे। अब बात आती है कि हम पूरी पूरी डेफिनेशन याद नहीं रख सकते, किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव को लेके हम कोई भी डेफिनेशन है उसको हम पूरा याद नहीं रख सकते कि ये पूरी टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये इतनी बड़ी डेफिनेशन हम याद नहीं रख सकते कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो इसका एक छोटा सा बेसिक सा फंडा होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, जो मैं आपको बता दूं कि किसी भी डेफिनेशन को याद करने का तरीका है कि आप इस डेफिनेशन में कोई भी एक इंपॉर्टेंट सा वर्ड चूज कर लीजिए। ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लीजिए या तो, या फिर उसको एज इट इज ही रहने दीजिए। जैसे मैं इस पूरी डेफिनेशन में चूज कर लूं कि इसमें एक वर्ड आ रहा है कैलिबर। ठीक है, क्या आ रहा है, कैलिबर। आप लोग को मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पर, जब भी कोई डेफिनेशन देता है कोई भी बंदा जो भी डेफिनेशन देता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी किसी का कॉपी नहीं करता है। ठीक है, डेफिनेशन में भले ही मीनिंग वही निकले किसी की बात का, लेकिन वो वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, वर्ड्स पे ही खेलना है और वर्ड्स पे ही ध्यान रख के हमें क्या करना है, अपनी डेफिनेशन को याद कर लेना है। जैसे कि इस फर्स्ट डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं कैलिबर, तो कैलिबर किसी और डेफिनेशन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक वर्ड ले सकते हैं, कैलिबर किसने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। अब आपको कोई डेफिनेशन, अगर यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाए तो आप पूरी डेफिनेशन पढ़ने की बजाय सिर्फ आपकी जो आपकी नजर किस पे जाएगी, कैलिबर वर्ड पे जाएगी, और आप झट से आंसर कर पाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम, और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये एक बेसिक सा फंडा होता है डेफिनेशंस को याद करने का, कि ये डेफिनेशन या ये कथन जो भी आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड मैं बता रही हूँ, सिर्फ ये यूजीसी नेट में ही नहीं, किसी और एग्जाम में भी आपके जो कथन पूछे जाते हैं उसको याद करने का तरीका यही होता है। ठीक है, तो आपने एक वर्ड लिख लिया और उसके आगे लिख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम, और उससे आपको ये डेफिनेशन हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं, डेफिनेशन का मीनिंग क्या है।
टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स अ कैरेक्टर कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल. यहाँ पर टीचिंग के बारे में बताया गया है कि टीचिंग कैसा प्रोफेशन है, वह बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जो किसको, हमारे कैरेक्टर को, हमारे कैलिबर को और हमारे फ्यूचर को, किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी पर्सन के कैरेक्टर कैलिबर फ्यूचर को शेप देने वाला प्रोफेशन क्या कहलाता है, टीचिंग कहलाता है. फिर टीचिंग में क्या करते हैं, जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पर आपको अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आपको यूजीसी नेट के एग्जाम पर्पस के लिए आपको तैयार कर रही हूँ. भाई मैं आपको उसी तरह का एक कैरेक्टर दे रही हूँ, उसी तरह की आपको शेप दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से एग्जाम में मतलब किसी किस तरीके से आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उस एग्जाम में कैसे आपको आगे निकलना है, इस चीज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. तो यहाँ पर मैं आपको क्या कर रही हूँ, शेप ही कर रही हूँ. ठीक है, तो वही कहा है एपीजे अब्दुल कलाम ने कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर कैलिबर और फ्यूचर को क्या करता है, शेप देता है. ठीक है, इसी के साथ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो है जीके चेस्टरसन ने कहा है, एजुकेशन इज सिंपली द सोल ऑफ अ सोसाइटी as it passes from one generation to another. अब यहाँ पर अगर आप बात करें कि इसमें वर्ड क्या चूज करें, तो सोल ऑफ सोसाइटी के नाम से चूज कर सकते हैं. ठीक है, सोल ऑफ सोसाइटी किसने कहा है, जीके चेस्टरसन ने कहा है, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं. तो अगर मैं बात करूं जीके चेस्टरसन की, इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि एजुकेशन क्या है, एक सोसाइटी का सोल है, एक सिंपल सा सोल है जो क्या करता है, मतलब कि सीखने का एक ऐसा तरीका है एजुकेशन जो क्या है, एक जनरेशन से आगे नेक्स्ट जनरेशन तक क्या होती रहती है, फॉरवर्ड होती रहती है, पास होती रहती है. ठीक है, तो जीके चेस्टरसन ने ये कहा है. नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ अदर डेफिनेशंस दी हुई है. फर्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टैगोर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू टैगोर, और ये डेफिनेशंस आपको मतलब हमेशा इसी तरीके से याद करनी है, क्योंकि हम पूरी पूरी डेफिनेशन याद नहीं कर सकते. यहाँ पर हम कोई रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते, ये छोटी क्लासेस नहीं है कि हम यहाँ पर पूरी पूरी डेफिनेशन याद करें. ठीक है, हमें बस मीनिंग समझना है, एक वर्ड उठाना है और उसका नाम उठाना है जिसने वो डेफिनेशन दी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं एग्जाम में. जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस यहाँ से जरूर उठाता है कि ये डेफिनेशन किसका है. ठीक है, चलिए. अकॉर्डिंग टू टैगोर द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन. It means the realization of universal soul in oneself. It is a process which cannot be realized without education. He synthesizes the ancient Vedantic. इन्होंने कहा है टैगोर ने कि जो एजुकेशन का एम है वो क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन. तो सेल्फ रियलाइजेशन की बात अगर कहीं आएगी तो आपको तुरंत याद आएगा कि किसने दी है डेफिनेशन, टैगोर ने दी है. ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए साथ ही और आप लिखते चलिए जो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि सेल्फ रियलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो किस दी है एजुकेशन पर, टैगोर ने दी है. तो टैगोर का कहना था कि जो एजुकेशन का एम होता है वो खुद को रियलाइज करना है कि आप किस मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या जो क्षमताएं हैं वो क्या क्या क्षमताएं हैं आप में, और आप कितना उसको निखार सकते हैं, आप में क्या स्किल्स हैं, वो इसका मतलब है. ठीक है, कि सेल्फ रियलाइजेशन होना, इट मींस द रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल सोल इन वन सेल्फ, यानी कि आप खुद की पहचान अपने आप कैसे बनाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है. या फिर रियलाइजेशन का मतलब ही क्या है कि पूरे यूनिवर्स में अपनी खुद की पहचान बनाना, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं. इट इज अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रियलाइज विदाउट एजुकेशन. ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आप बिना एजुकेशन के ये रियलाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बिना एजुकेशन के आपका जो एक कहते हैं ना, बिना एजुकेशन के आपका जो अस्तित्व है वो सबको नहीं पता चलेगा, खुद को भी नहीं पता चलेगा. भाई ऐसा थोड़ी ना है, आपने पढ़ लिख लिया, ठीक है, आप काफी पढ़ लिया, आपने PhD तक कर लिया और फिर आप क्या कर रहे हैं, जाके शादी कर ली, और शादी करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ वही डेली का जो काम होता है, खाना बनाना, बच्चों को देखना या व्हाटएवर जो भी आपके काम है, ठीक है, वो आप कर रहे हैं और उसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं आ रहा है. तो आपको भी ये चीज खटकती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ या इतना पढ़ा लिखा हूँ और उसके बावजूद भी मुझे ये काम करने पड़ रहे हैं, मेरी एजुकेशन का कोई रोल मुझे नहीं दिख रहा है, मेरा अपना अस्तित्व मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ठीक है, तो वही चीज है कि अपने आप का रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन किसने कहा है, टैगोर ने दिया है.
इन्होंने ये जो सेल्फ रियलाइजेशन का वर्ड उठाया है ये कहाँ से उठाया है, एंशियंट वेदांतिक में से, यानी कि वेदों में से इन्होंने ये वर्ड उठाया है सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, वेदों में इसके बारे में बात बहुत ज्यादा की गई है सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद की। फर्स्ट किसकी थी? टैगोर की। सेकेंड है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद डिफाइंस एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, ये एजुकेशन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो आप इंसान है, ठीक है, जो भी प्राणी है उसमें ऑलरेडी एक परफेक्शन होता है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी एक परफेक्शन होता है, बस उसको क्या है, उसको पहचानने की देर होती है। ओके, यहाँ पर अगर मैं इसको सिंपली बात करूं कि अगर आपने सुना होगा बहुत बार कि हर एक बच्चे में एक कोई ना कोई एक स्किल दिया होता है, भगवान ने अपने आप से कोई स्किल दी हुई है, बस उसको क्या है, उसको पहचानना है और उस पर काम करना है। ठीक है, हर एक बच्चे को क्या दिया हुआ है, एक स्किल दिया हुआ है और उस पर उसको काम करना, उसको पहले पहचानना है कि मेरे पास कौन सा स्किल है, मुझे कौन सी स्किल दी गई है, मैं किस पर अच्छा हूँ, ठीक है, और उसको अपने उसी पर काम करना है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भी वही कहा है कि जो प्राणी है उसमें एक परफेक्शन ऑलरेडी है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किसने दी है? एरिस्टोटल ने दी है। एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं एजुकेशन को एज अ क्रिएशन। क्रिएशन स्वामी विवेकानंद में आपको वर्ड चाहिए तो मैनिफेस्टेशन ले सकते हैं या फिर परफेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल ने क्या दिया है? क्रिएशन। एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ साउंड बॉडी, सॉरी साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ठीक है, यहाँ पर एरिस्टोटल से आप ले सकते हैं साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इसका एक मीनिंग ये भी है कि एक अगर मैं ये कहूँ कि इसमें क्रिएशन है किसका? माइंड का क्रिएशन है एक साउंड बॉडी में। ठीक है, ये कह सकती हूँ मैं इसके वर्ड पे अगर मैं जाऊँ तो। लेकिन अगर मैं मीनिंग पे जाऊँ तो मीनिंग क्या होगा इसका कि एक अच्छे बॉडी में, एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता है, ये हेल्दी माइंड वर्क करता है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको बोल सकती हूँ कि एरिस्टोटल ने क्या कहा है कि एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड प्रवेश करता है या हेल्दी माइंड काम करता है या क्रिएट करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, अगर आपका बॉडी ठीक है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि अभी जो इवेंट जो भी ये जो क्या कहते हैं पैंडेमिक जो चल रहा है कोविड, ठीक है, इसमें अभी आप लोगों का जो माइंड है बॉडी भी वर्क नहीं कर पा रही है ठीक तरीके से और माइंड भी उसी तरीके से वर्क कर रहा है क्योंकि आपको हर तरफ से एक नेगेटिव न्यूज हर रोज सुनने को मिलती है कि आज वहां पर इतने केसेस आए, आज वहां पर इतनी डेथ हुई, आज वहां पर इतनी ऑक्सीजन की कमी हुई, जो भी है। ठीक है, तो हर तरफ से आपको एक नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव न्यूजेस आपको सुनने के लिए न्यूज सुनने के लिए मिल रही है, तो उसके लिए क्या होता है, आपका दिमाग भी उस तरीके से काम नहीं करता है। और अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है, मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, अगर आपको फीवर है या कुछ भी है, तो आपका जो माइंड है वो भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, उसमें भी क्या रहेगा कि मुझे फीवर आ रहा है, मेरी बॉडी से उठा नहीं जा रहा है, तो मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे पढ़ूं। ठीक है, ये सब चीजें उसमें चलती हैं, इसीलिए एरिस्टोटल ने कहा है कि जो हेल्दी बॉडी होती है उसमें एक हेल्दी माइंड रहता है और वर्क करता है या क्रिएट करता है थिंकिंग को। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हेनरिक पेस्टोलॉजी। अब आप यहाँ पे जो कुछ नाम सुन रहे होंगे, एरिस्टोटल है, पेस्टोलॉजी है, तो आपको अगर आप सीटेट की है, यूपीटेट की आप लोगों ने तैयारी की है, तो आप लोगों को ये नाम सुने सुनाए लग रहे होंगे और आप इनसे कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेनरिक पेस्टोलॉजी इन्होंने कहा है एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनेट पावर्स। हेनरिक पेस्टोलॉजी का कहना है कि जो एजुकेशन है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव का मतलब है कि एक रिदम में प्रोग्रेसिव वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि एक रिदम में आपका जो प्रोग्रेस है वो चलता है, डेवलपमेंट होता है, किसमें, आपकी इनेट पावर्स में, जो आपकी इनर पावर्स हैं, जो आपके पास में अपनी स्किल्स हैं, उसमें डेवलपमेंट ही क्या है, एजुकेशन का एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, क्या है एजुकेशन का एक नेचुरल प्रोसेस, क्या है कि आपकी जो इनर पावर्स हैं, जो आपको क्या करती है, वो हमेशा क्या करती रहती है, डेवलपमेंट करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी,
defines education as the power by which a man is able to control his environment and fulfill his possibilities. जॉन डेवी का कहना है एजुकेशन क्या है, एक पावर है बाय विच अ मैन जो क्या कर सकता है उसके थ्रू, अगर आपके पास में एजुकेशन है तो आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप हवा पानी इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं. नो, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने का मतलब है कि आप अपने जो आसपास का वातावरण है उसमें अपनी पहचान बना सकते हैं, अपनी जो एबिलिटीज हैं, जो अपनी पॉसिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं थ्रू द एजुकेशन. ठीक है, अगर आपके पास में एजुकेशन है तो आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, आपके जितने भी गोल्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं और अपनी जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो अपनी दिनचर्या की जो लाइफ है उसको एक अच्छे मोड पर ले जा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं. ये जॉन डीवी का कहना है. तो जॉन डीवी में आप जो वर्ड लेना चाहें वो ले सकते हैं, फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज, ठीक है, या कंट्रोल हिज एनवायरमेंट, जो भी आपको सूट करे. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल, फ्रोबेल के अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड डेवलप्स इट्स इनेट पोटेंशियल इन अ मैनर सो एज टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. फ्रोबेल का कहना है कि एजुकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि बच्चे की जो इनेट पोटेंशियल है, जो उसका अंदर का पोटेंशियल है वो डेवलप होता है. ठीक है, वर्ड्स में नहीं जाते हैं, सिंपल सी बात मैं कहती हूँ कि बच्चे का जो इनर पावर है या जो इनर उसकी पोटेंशियल है या जो भी उसकी अंदरूनी जो शक्तियां हैं, अंदरूनी शक्तियां मतलब कुछ ऐसा जादू वादू नहीं है, ठीक है, आपके पास में पढ़ने की जो एबिलिटीज हैं वो पूरी होता, उसमें डेवलपमेंट होता है, बच्चे की जो थिंकिंग है उसमें डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं, उस डेवलपमेंट से जो भी आपके एनवायरमेंट में कोई भी एक्टिविटी हो रही है या कोई भी अगर मतलब बात हो रही है या कुछ भी, तो आप उसमें मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मीनिंगफुली पार्टिसिपेट करने का मतलब कि अगर आपके आसपास में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी एक्टिविटी चल रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ऐसा ही नहीं है कि मतलब आपकी कोई एक्टिविटी चल रही है और आप बस खड़े हुए हैं कि मुझे ये बोलना है, कुछ भी बोल देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप एजुकेटेड पर्सन हैं तो आप उसका एक वेल डिफाइंड जवाब देंगे कि हाँ यहाँ पर क्या सूट करता है, क्या सूटेबल है, वो वैसा आप जवाब देंगे. अगर आप पढ़े लिखे नहीं है और चार लोग वहां पर खड़े होकर बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो आप वहां पे अनाप शनाप ही बोल कर आएंगे अगर आप बोलेंगे या फिर आप चुप खड़े होकर सुनते रहेंगे, ठीक है. लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं और उस टॉपिक के बारे में आपको पता है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं और मान लीजिए कि वो कुछ गलत तर्क दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप वहां पर क्या करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे और अपनी बात को रखेंगे मीनिंगफुली, ठीक है. यही अकॉर्डिंग टू यही जो है क्या है, फ्रोबेल का कहना है, ठीक है. अगर आपको एजुकेशन आता है, एजुकेशन क्या करता है, हमारी जो अंदर की पावर्स हैं उनको, जो हमारा पोटेंशियल है उसको बढ़ाता है, उसको डेवलप करता है, जिससे कि हम जो एनवायरनमेंट है, जो आप अपने आसपास में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है.